भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। और अब आपस में जरा साथी बन गए हैं लोग, और हिम्मत है तो सदन में खड़े होकर के जवाब मांगो। कांग्रेस पार्टी से मैं आप वालों से कहता हूं, कांग्रेस भी बताएं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके घोटालों के इतने सारे सबूत देश के सामने रखे थे। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्हीं लोगों के खिलाफ की थी। अब ये बताएं कि ये जो उन्होंने सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी फाइलें बताई थी, क्या वो सबूत सच्चे थे या झूठे थे? दोनों एक दूसरे को खोल करके रख देंगे। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है ऐसी चीजों का जवाब देने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। आदरणीय सभापति जी, ये ऐसे लोग हैं जिनका डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा रवैया है। और मैं देश को बार बार ये बात याद दिलाना चाहता हूं, ये कैसा दोगलापन चल रहा है। ये लोग दिल्ली में एक मंच पर बैठ करके जांच एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैलियां करते हैं, और केरला में उनके सहजादे, उन्हीं के केरल के एक मुख्यमंत्री जो उनके गठबंधन के साथी है, उनको जेल भेजने की अपील करते हैं, और भारत सरकार को कहते हैं कि इस मुख्यमंत्री को जेल भेज दो। दिल्ली में ईडी सीबीआई की कार्रवाई उस पर हाय तोबा करते हैं, और वही लोग उसी एजेंसी से केरल के मुख्यमंत्री को जेल भेजने की बात करते हैं शाहजादे। तब लोगों के मन में सवाल उठता है कि इसमें भी दोगलापन। आदरणीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के साथ शराब घोटाला जुड़ा, यही आप पार्टी वाले चीख चीख करके कहते थे कि ईडी सीबीआई को लगा दो और इस मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, खुलेआम कहते थे। और ईडी ये काम करे इसके लिए गुजारिश करते थे, उनको तब ईडी बहुत प्यारा लगता है। आदरणीय सभापति जी, ये आज जो लोग जांच एजेंसियों को बदनाम कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, मैं जरा उनकी याददाश्त पर जोर डालना चाहिए, मैं ऐसा उनका आग्रह करता हूं। जांच एजेंसियों का पहले दुरुपयोग कैसे होता था, कैसे होता था, कौन करता था, मैं जरा बताना चाहता हूं। मैं कुछ बयान आपके सामने रखता हूं। ये पहला बयान है 2013 का। बयान क्या है? कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, जेल में डाल देगी, सीबीआई पीछे लगा देगी। कांग्रेस सीबीआई व इनकम टैक्स का भय दिखा करके समर्थन लेती है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये बयान है स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का। कांग्रेस एजेंसियों का कैसा दुरुपयोग करता है, ये मुलायम सिंह जी ने कहा था। और यहां इस सदन के माननीय सदस्य रामगोपाल जी को मैं जरा पूछना चाहता हूं कि रामगोपाल जी, क्या नेताजी कभी झूठ बोलते थे क्या? नेताजी तो सच बोलते थे। आदरणीय सभापति जी, मैं रामगोपाल जी को भी कहा, जरा भतीजे को भी बताएं, क्योंकि
उनको भी याद दिलाया कि राजनीति में कदम रखते ही भतीजे पर सीबीआई का फंदा लगाने वाले कौन थे, जरा याद दिला दे उनको, पता चलेगा। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और बयान पढ़ता हूं, ये भी साल 2013 का है। द कांग्रेस हैड यूज द सीबीआई टू स्ट्राइक पोलिटिकल बार्गेन्स विद मैनी पार्टीज। और कौन कहते हैं? उनके कॉमरेड श्रीमान प्रकाश कराड़ जी ने यह कहा हुआ है, 2013 में कहा। एजेंसियों का कौन दुरुपयोग करता था? एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, और मैं याद दिलाना चाहता हूं, स्टेटमेंट क्या है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जो मालिक की आवाज में बोलता है। ये किसी राजनीतिक व्यक्ति का बयान नहीं है, ये हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार के समय कहा हुआ बयान है। एजेंसियों का दुरुपयोग कौन करता था, इसके जीते जागते सबूत आज मौजूद है। आदरणीय सभापति जी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई ये मेरे लिए चुनाव हार जीत का तराजू नहीं है। मैं चुनाव हार जीत के लिए, भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, ये मेरा मिशन है, ये मेरा कन्विक्शन है। और मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है। इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार के प्रति सर्वसामान्य मानवीय के मन में नफरत पैदा करने के लिए मैं जी जान से जुटा हुआ हूं, और मैं इस पवित्र कार्य मानता हूं। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने दो बड़ी बातें कही थी। एक, हमने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, और दूसरा, भ्रष्टाचार पर, काले धन पर कड़ा प्रहार मेरी सरकार करेगी। ये मैंने 2014 में सार्वजनिक रूप एक नया कानून बनाया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।